हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो थंबनेल देख के आप सब जान ही गए हैं कि आज हम करने वाले हैं ट्रॉलियों की अनबॉक्सिंग। जी हाँ, 3 ट्रॉली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, 2 फ्लिपकार्ट से करी थी, 1 अमेज़ॉन से करी थी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इन ट्रॉलियों की अनबॉक्सिंग और बताऊंगी इनके डिटेल फीचर, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि इन तीनों ट्रॉलियों में से मुझे पर्सनली कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और देख रहे हैं आप मेरा वीडियो, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, और हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले ओपन करते हैं अपनी ट्रॉली जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है। जी हाँ, ये मेट्रोनॉट कंपनी की ट्रॉली है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये स्मॉल साइज में मैंने ऑर्डर करी थी। ये साइज चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें साइज चार्ट मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लें इसकी बॉडी की। इसमें मेंशन है कि ये हार्ड बॉडी टाइप में आती है। तो आइए हम बात कर लें इसकी कैपेसिटी की। तो ये हमें मिल जाती है 35 लीटर कैपेसिटी में, और इसमें आप रख सकते हैं 2.3 केजी तक का वेट। अब मैं आपको पूरा इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का ये स्ट्रैप पैटर्न दिखाई देगा जिसमें हम अपने लगेज को फिक्स कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसका दूसरा कंपार्टमेंट दिखा देती हूँ जिसमें आपको इस तरह का जिप्ड पैटर्न मिलेगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और जिप से इसको परफेक्टली सिक्योर कर सकते हैं। तो जब हम इस ट्रॉली को देखेंगे तो हमें इस तरह का ये कार्ड देखने को मिलेगा जिसमें इसके सारे फीचर्स मेंशन हो रखे हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लॉक की बात कर लें तो इस मेट्रोनॉट की ट्रॉली में केवल हमें नॉर्मल लॉक ही देखने को मिलता है, TSA लॉक देखने को नहीं मिलता है। आइए अब हम इनके व्हील्स की बात कर लें तो इसमें हमें 4 सिंगल व्हील्स देखने को मिलते हैं। और जो दूसरी ट्रॉली मैंने ऑर्डर करी थी ये VIP की है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। और इसमें आपको मिल जाती है 30 लीटर की कैपेसिटी, और आप रख सकते हैं 2.4 केजी का वेट। ये सारी ट्रॉलियाँ मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर करी थी। VIP वाली ट्रॉली में आपको मिल जाती है डोमेस्टिक वारंटी 5 ईयर्स की, और इंटरनेशनल वारंटी भी 5 ईयर्स की ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये 59 सेंटीमीटर की है, यानी कि अप टू 22 इंच तक ये ट्रॉली आपको देखने को मिलती है। आइए अब हम VIP के व्हील्स की बात कर लेते हैं। तो VIP की ट्रॉली में हमें डबल 4 व्हील्स देखने को मिलते हैं। अब हम ट्रॉली की थोड़ी सी मजबूती चेक कर लेते हैं। तो इस ट्रॉली पे मैंने बहुत सारा वजन रख के देखा था और प्रेस करके भी देखा था, पर ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। अब हम इसके लॉक टाइप की बात कर लेते हैं। तो ट्रॉली में हमें TSA लॉक टाइप मिल जाता है। आइए फिर चलिए इस ट्रॉली को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने VIP की ट्रॉली को ओपन करके देखा तो मुझे इसमें 2 कंपार्टमेंट दिखते हैं, और पहले कंपार्टमेंट में मुझे ये इलास्टिक स्ट्रैप मिल जाता है जिसमें हम अपने बिलोंगिंग्स को आराम से रख सकते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा कंपार्टमेंट। तो दूसरे कंपार्टमेंट में ये जिप्ड पैटर्न दिखाई देता है जिसमें हम अपने बिलोंगिंग्स को आराम से जिप में सिक्योर करके रख सकते हैं। इन ट्रॉलियों में और भी कलर ऑप्शंस थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो थर्ड ट्रॉली मैंने ऑर्डर करी थी ये मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। अमेज़न बेसिक की ट्रॉली है ये। इस पे मेंशन है कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पे स्क्रैच लगने के चांसेस नहीं हैं। तो आइए अमेज़न बेसिक की ट्रॉली की बात कर लें। तो जैसे आप अमेज़न की बेसिक की ट्रॉली की अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको ये मैनुअल रिसीव हो जाएगा
में आपको TSA लॉक मिल जाता है। अमेजन बेसिक की ट्राली में आपको दो हैंडल मिलते हैं, एक होल्ड हैंडल मिलता है, दूसरा कैरी हैंडल मिलता है। अमेजन बेसिक की ट्रॉली में आपको प्रोटेक्टिव हार्ड शेल मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ इसको एक मॉडर्न अपीयरेंस देती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा थिक AVS मिलता है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं तो इसमें मिल जाते हैं दो कंपार्टमेंट। पहले में आपको ये डॉक्यूमेंट रखने के स्पेस दे रखा है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईजिली और सेफली प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इलास्टिक स्ट्रैप्स जिसमें हम अपने बिलोंगिंग्स आराम से सिक्योरली रख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जिप पैटर्न जिसमें हमें दे रखा है ये शू रखने का स्पेस। जी हाँ, इस जिप में हम अपने शूज़ आराम से रख सकते हैं, ये काफ़ी स्पेसियस है, मैं आपको दिखा ही रही हूँ। आइए अब हम बात कर लें दूसरे कंपार्टमेंट की। तो दूसरे कंपार्टमेंट में हमें मिल जाते हैं ये 3 zipped पॉकेट पैटर्न जिसमें हम कन्वीनियंटली अपने छोटे छोटे आइटम्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं और बड़े कंपार्टमेंट में थोड़ा बड़ा सामान रख सकते हैं। अब हम बात कर लें अमेजन बेसिक के व्हील्स की। तो ये हमें मिल जाते हैं 4 double wheels। इसमें 360 degree स्पिनर है जो कि इसकी मोबिलिटी को बढ़ा देता है। इस ट्रॉली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये 15% तक एक्सपेंड हो सकती है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा लगेज भी रख सकते हैं। अमेज़न बेसिक में भी आपको TSA लॉक देखने को मिलता है। तो सब कहते हैं TSA लॉक क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म। TSA लॉक का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन लॉक। ये लॉक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होता है जब आप इंटरनेशनल विजिट करते हैं, यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो आपको TSA लॉक मस्ट हो जाता है आपके लगेज में, आपके ट्रॉली बैग्स में। अगर आपके लगेज में या ट्रॉली बैग में नॉर्मल लॉक होगा तो वो वहाँ की अथॉरिटी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास TSA लॉक होता है तो वो उसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उसकी मास्टर की होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे लगेज में या हमारे ट्रॉली बैग्स में TSA लॉक हों। आइए अब हम इन तीनों ट्रॉलियों को कंपेयर करके देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इनके व्हील से। तो मेट्रोनॉट की ट्रॉली में हमें सिंगल 4 wheel देखने को मिलता है, वहीं अमेजन बेसिक की ट्रॉली और VIP की ट्रॉली में हमें डबल व्हील पैटर्न देखने को मिलता है। अब हम बात कर लें इनके साइज़ की। तो अमेजन बेसिक की ट्रॉली 15% तक एक्सपेंड हो जाती है, वहीं VIP की ट्रॉली और मेट्रोनॉट की ट्रॉली नॉन एक्सपेंडेबल ट्रॉलियाँ हैं। तो अमेजन बेसिक की ट्रॉली में ये एक्सपेंडेबल वाला फीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम बात कर लें इन ट्रॉलियों के हैंडल की। तो मैं आपको ओपन करके दिखाई रही हूँ। इन सारी ट्रॉलियों के हैंडल मुझे अच्छे लगे, लेकिन अमेजन बेसिक की ट्रॉली में हमें मिल जाता है टेलीस्कोपिक हैंडल। अब हम बात कर लें अमेजन बेसिक के एक एक्स्ट्रा फीचर की। तो जी हाँ, इस तरह से हमें ये ट्रॉली नीचे रखने के सपोर्ट के साथ मिलती है। आइए हम बात कर लें लॉकिंग सिस्टम की। तो जी हाँ, हमें मेट्रोनॉट की ट्रॉली में नॉर्मल लॉक देखने को मिलता है, वहीं VIP की ट्रॉली में और अमेजन बेसिक की ट्रॉली में हमें TSA लॉक मिल जाता है। आइए अब हम इन ट्रॉलियों की स्ट्रेंथ चेक कर लें कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनमें। तो मैंने इनको थोड़ा सा प्रेस करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेट्रोनॉट की क्वालिटी और VIP की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम थी, वहीं अमेजन बेसिक की क्वालिटी इन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे तो पर्सनली अमेजन बेसिक की ट्रॉली बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं उसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इन सब ट्रॉलियों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इन सब ट्रॉलियों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई है। और देख रहे हैं मेरा वीडियो, नहीं किया वीडियो को लाइक तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।